हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे पिज्जा। हम बेस भी घर पे बनाएंगे और पिज्जा भी घर पे बनाएंगे, वो भी बिना यीस्ट के और बिना माइक्रोवेव के। आज हम इसे बनाएंगे पैन में और ये बहुत जल्दी बन जाता है, खाने में बिल्कुल बाजार जैसा होता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्जा बेस बनाएंगे, उसके लिए हम डो तैयार करेंगे। तो ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम एक कप मैदा ऐड करेंगे। वन टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर। हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे नमक। और हम ऐड करेंगे हाफ कप दही और इसे हम गूंद लेंगे। ये देखिए, मैंने डो तैयार कर लिया है, पर अभी ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा दही और ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ दही से इसे गूंदना है। अब हम इसे फिर से डो तैयार करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट स्टिकी डो तैयार। ये देखिए, हमारा सॉफ्ट और स्टिकी डो तैयार हो गया है। ये देखिए कितना स्टिकी है। हम इसे ढककर करीब 20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसे पिज्जा बेस तैयार करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा कितना राइज हो चुका है। अभी ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और इसे नीड करेंगे। इसे स्मूथ होने तक नीड करना है। ये देखिए, मैंने इसे ऑयल डालकर नीड कर लिया है, पर ये देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो हम इसमें सूखा मैदा डालेंगे और सूखा मैदा डालकर इसके दो बॉल्स बनाएंगे। इसे थोड़ा सा नीड कर लेते हैं ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। ये देखिए, मैंने इसमें सूखा मैदा मिलाकर इसे फिर से नीड कर लिया है। ये अभी भी बहुत सॉफ्ट है, पर ये ऊपर से हाथ में नहीं चिपक रहा है। तो हमें इसी तरीके से डो पे सूखा मैदा लगाना है ताकि ये पेड़े बनाते टाइम हमारे हाथ में ना चिपके। हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सूखा मैदा लगाकर इसके दो पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसमें सूखा आटा लगा लेते हैं, मैदा। एक्स्ट्रा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इसे हम बेलेंगे। इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है। ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है और बहुत ज्यादा पतला नहीं है, थोड़ा मोटा रखा है मैंने इसे। अब हम एक फोक लेंगे, उससे इसमें छेद कर देंगे इस तरीके से ताकि ये फूले ना। मैंने गैस ऑन कर ली है, उस पे एक फ्राइंग पैन रखा है, इसे मैंने 2 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। अब हम गैस को बिल्कुल लो पे कर देंगे। इस पे हम पिज्जा बेस डालेंगे बिल्कुल आराम से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे करीब 5 से 7 मिनट के लिए। इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। करीब 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए, हमारा पिज्जा बेस काफी मोटा हो गया है। और नीचे से चेक कर लेते हैं ये पका है या नहीं।
नीचे से भी ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब वेजीज डालेंगे और ऊपर वाली साइड हमें नीचे रखनी है। मैं इस पे पिज्जा सॉस लगा रही हूँ जो कि रेडीमेड है, पर अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से घर में पिज्जा सॉस बनाते हैं। तो हम इसकी लेयर लगा लेते हैं। इस पे मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं बटर, मैं यहाँ पे इसके ऊपर से लगा रही हूँ, इसे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए मैंने बटर लगा दिया। इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स लगाएंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च, ये मैंने लंबी लंबी काटी हैं। ये देखिए अब हम इस पे डालेंगे अनियंस, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऑलिव्स। अब हम इस पे डालेंगे बहुत सारा ग्रेटेड चीज, आप जितना डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ मैं काफी सारा डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने सेम पैन को फिर से गर्म कर लिया है, इसमें हम पिज्जा रखेंगे। बहुत ही आराम से रखना है। गैस को मैंने लो पे रखा है, इसे हम कवर कर देंगे करीब 10 मिनट के लिए। इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे, 10 मिनट बाद खोलकर देखेंगे कि हमारा पिज्जा पका है या नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन हटा लेते। ये देखिए हमारा पिज्जा बिल्कुल तैयार हो गया है और चीज बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ये देखिए कितनी अच्छी ब्राउनिंग हुई है। गैस बंद कर देते हैं, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा पिज्जा रेडी हो गया है, हम इस पे पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे। यहाँ पे मैं मिक्स ले रही हूँ। ये देखिए हमारा पिज्जा बिल्कुल बाजार जैसा तैयार हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।